हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडीके एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी क्वेश्चन पता है या फिर आपका भी आ गया एग्ज़ाम है तो आप प्लीज़ इस नंबर पर आपके सारे क्वेश्चन शेयर कर देना, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए रिव्यू प्रोवाइड करा पाऊँ। सामने आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप क्वेश्चन शेयर कर देना ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे रिव्यू आपको मिलते रहें। और यार, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो ला पाऊँ, जिससे मेरा हौसला बढ़े, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि जो सारे क्वेश्चन हैं वो आप ही के द्वारा शेयर किए गए हैं, स्टूडेंट्स ने मेरे को शेयर किए हैं, तो मैंने अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं किया है इनमें से। तो प्लीज़ आप ऐसा कोई कमेंट मत करना कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन शेयर कर रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जो आपने शेयर किए हैं वही क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपका एक दो क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे यहाँ पे मिले, क्योंकि यार जो आपका एग्ज़ाम होता है वो होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम, और आपको ऑफलाइन कोई भी पेपर नहीं मिलता है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक दो क्वेश्चन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इसलिए एक दो क्वेश्चन इधर उधर मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो ज़्यादातर मेन मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराना, जो कि एग्ज़ाम में बिल्कुल आए थे। तो सारे के सारे क्वेश्चन आई थिंक आपके एग्ज़ाम में आए होंगे। तो चलिए आज के रिव्यू को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें मैंने फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू डाला था, उसमें मैंने 23 क्वेश्चंस आपको करवाए थे। अब हम करेंगे बाकी के 75 क्वेश्चंस, तो यानी अप्रोक्स हमारे यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे तीनों शिफ्ट्स के मिला के, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, उस वीडियो को आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। तो ये क्वेश्चन है कि सिकंदर ने किस भारतीय राजा से पहली बार युद्ध किया। तो जो सिकंदर ने किस राजा से पहली बार युद्ध किया था, उस राजा का नाम था पोरस। पोरस से सिकंदर ने युद्ध किया था, और आपने पोरस की लड़ाई के बारे में तो सुना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन गांधी द्वारा वापस ले लिया गया था क्योंकि इसमें चोरा चोरी कांड नामक की घटना हो गई थी। चोरा चोरी कांड ये बहुत हिंसक रूप लेने लग गया था, इसलिए इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल संस्थान कहाँ है। तो जो राजीव गांधी खेल संस्थान है वो पंजाब में है, पंजाब में है आई थिंक। अगर मैं थोड़ा गलत हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मेरी ओर से इसका राइट आंसर जो है वो पंजाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नीदरलैंड की राजकीय भाषा क्या है, यानी नीदरलैंड की राजभाषा क्या है। तो जो नीदरलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा वो है डच, डच वहाँ पे बोली जाती है नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में पराजित किया। तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और ये 1526 ईस्वी में आपको पता है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेग का एसआई मात्रक, आवेग यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स, तो इम्पल्स का एसआई यूनिट, इम्पल्स की एसआई यूनिट क्या है। इम्पल्स की एसआई यूनिट है न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड इसकी एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरलैंड की राजभाषा, आयरलैंड की राजभाषा पूछी गई थी। तो ये जो राजभाषा है, देशों की करेंसी कैपिटल, इनको आप जरूर याद कर लेना। तो आयरलैंड की राजभाषा है आयरिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बोगी किस खेल से संबंधित है। तो जो बोगी है वो गोल्फ से संबंधित है। बोगी एक खेल की टर्म है, और हर बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन टर्म से भी आ रहा है कि ये खेल की टर्म किस खेल से संबंधित है, तो बोगी है गोल्फ से संबंधित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव का टेम्परेचर किस पर निर्भर करता है। द्रव यानी कि किसी भी लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो किस पर निर्भर करता है। चार ऑप्शंस वहाँ पे दिए गए थे, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं जुटा पाए हैं स्टूडेंट्स, तो ये मैंने सिंपली आपको क्वेश्चन बता दिया कि क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आया था, तो वो आप देख लेना। जैसे ऑप्शंस जिस टाइप से आते हैं उस टाइप से इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पहिया 2500 चक्कर लगाता है और दूरी कितनी तय करता है। 2500 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पहिए की त्रिज्या पूछे, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सोल्व करना बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि इन्होंने कहा कि एक पहिया 2500 चक्कर लगाता है और दूरी कितनी तय करता है, 11 किलोमीटर, यानी कि 11,000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 11,000 मीटर हो गए। 11 किलोमीटर में कितनी दूरी तय करता है 2500 चक्कर में, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, इसके आप इसके डिवाइड में 2500 लगा दो, फिर इसको आप एक चक्कर में इतनी दूरी होगी इस पहिए की, अब आपको निकालना कि पहिए की त्रिज्या क्या है, यानी कि एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा पहिया। मान लो ये एक पहिया है, ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, जितनी इस पहिए की जो परिधि होगी वही इतनी दूरी ये एक चक्कर में तय करेगा। तो आप
यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक पहिए की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। अगर आर यहाँ पे मैं पहिए की रेडियस मान लूँ तो 2 पाई आर उसकी परिधि हो जाएगी। तो आप 2 पाई आर के इक्वल टेक रख सकते हो 110/25 को। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लेना, वही पहिए की त्रिज्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय 25% देन एरिया इंक्रीज परसेंट। एरिया बताना कि एरिया का एरिया कितने परसेंट इंक्रीज होगा अगर किसी भी सर्कल की जो रेडियस है वो 25% इंक्रीज कर दी जाए। तो देखिए, जैसे मैं मान लेता हूँ अभी एक सर्कल है, उसकी रेडियस अगर मैं 25% इंक्रीज कर दूँ, 25% का मतलब 25/100। अब 25/100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/4, ऐसे कट गया ये। तो 1/4 यानी कि अगर पहले रेडियस 4 थी वो 25% इंक्रीज हो गई, यानी कि 1 इंक्रीज हो गई, 4 से 1 इंक्रीज यानी 25% इंक्रीज हो गई, 5 हो गई। तो ऐसे जो पहिए की रेडियस थी पहले 4 थी फिर 5 हुई, तो उसका एरिया कितना इंक्रीज हुआ। ऐसे ही ये 4 से 5 इंक्रीज हुई तो परसेंटेज में 25 हुई, एरिया कितना इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर रेडियस 4 थी तो एरिया था वहाँ पे 16 पाई। आपको पता पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, तो एरिया अगर रेडियस 4 है तो एरिया होगा 16 पाई, अगर रेडियस 5 है तो एरिया होगा 25 पाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरिया में कितना इंक्रीज हुआ, 25 में से 16 गए 9 पाई, 9 पाई का इंक्रीज हुआ। तो आप यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हो, 9 पाई, पहले कितना था एरिया 16 पाई, और ये अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हो, पाई से पाई कट गया, अब इसको आप सोल्व कर लेना, वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मोमेंटम ऑफ फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। मोमेंटम ऑफ फोर्स की एसआई यूनिट पूछी गई थी, तो जो मोमेंटम ऑफ फोर्स है उसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और उसकी डायमेंशन होती है MLT-1, M1 L1 T-1। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, दुनिया में सबसे छोटा पक्षी का नाम बताना था। तो दुनिया का जो सबसे छोटा पक्षी है उसका नाम है हमिंग बर्ड। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यामिनी कुमारी का संबंध किससे है। यामिनी कुमारी या फिर यामिनी कुमार भी कई बार इसको लिखा जाता है, तो इनका संबंध है डायरेक्टर, ये एक फिल्मी डायरेक्टर हैं, और कहाँ के, फ्रेंच, एक फ्रेंच फिल्मी डायरेक्टर हैं यामिनी कुमारी, ये एक फीमेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पूछा गया था। तो जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है वो जिम कार्बेट या फिर नागार्जुन सागर आपका बाघ अभयारण्य है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आप बताना ऑप्शंस क्या क्या दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने हॉकी में प्रथम स्वर्ण पदक कब जीता। तो भारत ने हॉकी में प्रथम स्वर्ण पदक जीता था 1928 में, और कब ओलंपिक में जीता था। ओलंपिक में पूछा है कि भारत ने हॉकी में ओलंपिक में प्रथम स्वर्ण पदक कब जीता, ये जीता था भारत ने 1928 में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और इनके ऑप्शंस आपको इसीलिए नहीं पता है क्योंकि मेमोरी में यार अगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम दे के आता है तो उसे ऑप्शंस ध्यान नहीं रहते हैं, तो वो केवल क्वेश्चन बताते हैं, वो भी एक कोड कोड लैंग्वेज में वो क्वेश्चंस मेरे को सेंड करते हैं, फिर मैं उनको अच्छी तरह यहाँ पे लिखता हूँ और फिर उनको अच्छे मैनर में यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल उनके आंसर लिखता हूँ, फिर आपको उसका रिव्यू डालता हूँ। तो आपके लिए इतना सब कुछ करने में बहुत मेहनत लग जाती है, इस मेहनत के लिए आप यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना, वरना फिर मेरी मेहनत बेकार है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जीएल बेयर्ड ने। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार किया था जीएल बेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सबरीमाला मंदिर कहाँ है। तो जो सबरीमाला मंदिर है वो केरल में है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, केरल में है। और एक और बात बता दूँ, जो ये सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ये मैं इनमें से 80% क्वेश्चन, 80% की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, 80% क्वेश्चन आपके मैं करवा चुका हूँ। आपकी सुपर जी के सीरीज़ हो, टॉप 20 जी के सीरीज़ हो, या फिर जी के टॉपिक वाइज हो, उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, और इनमें से जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है ना वो सुपर जी के सीरीज़ मायने रखता है, क्योंकि सुपर जी के सीरीज़ की मैं 15 पार्ट आपके लिए ला चुका हूँ और मोस्टली क्वेश्चंस उसी में से आपके यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप उनको ज़रूर देखना फ्यूचर में, अगर आपका आगे एग्ज़ाम है इंडियन एयरफोर्स का या फिर नेवी डबल ए या SR का, तो आप ज़रूर देखना उन सीरीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगोली कहाँ की लोक कला है। तो रंगोली कहाँ की लोक कला है,
आई थिंक इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने अभी किया था, सबरीमाला मंदिर केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगोली कहाँ की लोक कला है, तो जो रंगोली महाराष्ट्र की लोक कला है रंगोली, ये भी मैंने 3 4 दिन पहले आपको टॉपिक डाला था रंगोली ये लोक कला वाला, वो ट्रिक के माध्यम से मैंने वो आपको याद करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इससे पहले पूछा गया था, देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल रिलेट रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले दिन कल क्या पूछा था क्वेश्चन, कि लावणी और तमाशा कहाँ के लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र की, आज पूछ लिया लोक कला के बारे में, रंगोली कहाँ की लोक कला है महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क, सार्क की फुल फॉर्म पूछी थी, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और ये क्वेश्चंस भी जो हैं फुल फॉर्म से जो रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फुल फॉर्म के लिए मैं आपके लिए ऑलरेडी वीडियो ला चुका हूँ, 150+ फुल फॉर्म्स की, 150+ फुल फॉर्म की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा चुका हूँ, अगर नहीं देखी है तो देख लेना, उससे बाहर एक भी फुल फॉर्म नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादर और नगर हवेली, दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है, दादर नगर हवेली की राजधानी पूछी थी वो है सिलवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध का बचपन कहाँ पे बीता, ये क्वेश्चन आया था, तो जो गौतम बुद्ध का बचपन बीता वो लुम्बिनी में बीता, लुम्बिनी बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में शासन कौन संभालेगा, ऐसा क्वेश्चन आया था, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित रहें तो उनकी अनुपस्थिति में शासन कौन संभालेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी शासन संभालना, तो उपराष्ट्रपति उनकी अनुपस्थिति में शासन संभालेंगे, और अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो फिर कौन संभालेगा, तो फिर हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब हम ब्रांड अम्बेसडर पूछा था सीआरपीएफ के, ब्रांड अम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो जो हाल फिलहाल में सीआरपीएफ की ब्रांड अम्बेसडर बनाई गई वो बनाई गई PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ये आराम से उसको याद हो गया होगा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी पूछी थी, 111 किलोमीटर होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बल्ब का आविष्कार करता, बल्ब का आविष्कार किसने किया, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, थॉमस अल्वा एडिसन ने उसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिक्स फुल फॉर्म, ब्रिक्स की फुल फॉर्म पूछी गई थी, अब ब्रिक्स ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको एक बार सुपर जी के सीरीज में करवा चुका हूँ, उसके अलावा फुल फॉर्म वाली वीडियो में तो मैंने करवाई ही थी, तो इसके बारे में मैंने आपको एक बात बताई कि थी कि जो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स से ब्रिक्स कब बना, ब्रिक्स से ब्रिक्स बना वो 2010 में, यानी साउथ ए जो साउथ अफ्रीका है वो उसमें नया देश जुड़ गया 2010 में, तब पहले ब्रिक था फिर बाद में ब्रिक्स बन गया, पहले 4 देशों का ये समूह था अब फिर 5 देशों का बन गया, तो ये बात मैंने आपको बताई थी इस क्वेश्चन के बारे में। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, ब्राज़ील रसिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का समूह है ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, तो जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है वो है L T-1, L1 T-1, यानी कि इसमें M 0 होगा, L1 और T-2, सॉरी मैं शायद पहले 1 बोल गया था, अब ये है T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट छोड़ा जाता है तो कौन सा नियम लगता है, यानी कि रॉकेट जो छोड़ते हैं तो उससे कौन सा नियम लगता है, रॉकेट किस नियम को फॉलो करता है, तो जो रॉकेट है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, वो मोशन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था केरल में बाढ़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, पूरी तरह से स्टूडेंट्स ने आइडेंटिफाई नहीं किया इस क्वेश्चन को, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये पूरा क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो जो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ये क्वेश्चन यार मेरे को अभी भी डाउट में है, इसलिए मैं आपको इसका आंसर बताना नहीं चाह रहा, तो अगर आपको इसका राइट आंसर बताना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्योंकि मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा यार, अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा तो फिर ये अच्छा नहीं होगा, इससे अच्छा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया, किस आंदोलन के विरोध में, सॉरी 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में आंदोलन चलाया, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो किसके विरोध में आंदोलन चलाया था 1919 में गांधी जी ने, रोलट एक्ट के विरोध में चलाया था, रोलट एक्ट आपको पता है 1919 में आया था, उसी के विरोध में गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं संजय बारू, संजय बारू इसके लेखक हैं, और एक है प्रोक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, प्रोक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वो भी मैंने कम्युनिटी टैब में आपके लिए डाली थी, हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में प्रोक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, शायद कुछ रिलेशन आया था इनका, काइनेटिक या फिर पोटेंशियल, इनमें ऐसा कुछ रिलेशन आया होगा, पूरा आइडेंटिफाई नहीं किया स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो जो IMF की फुल फॉर्म होगी, इंटरनेशनल मोनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये भी 3 4 दिन पहले ही मैंने आपके लिए वीडियो डाली थी, जो त्यौहार हैं प्रसिद्ध लोक कलाएं और त्यौहार की वीडियो डाली थी, आई थिंक आपने देखी होगी। हॉर्नबिल नागालैंड से था, और इसकी ट्रिक क्या बताई थी कि जो बिल इसमें आ रहा है बिल, और जो ये आ रहा है नाग, यानी कि जो नाग हैं वो कहाँ पे रहते हैं, बिल में रहते हैं, नाग कहाँ पे रहते हैं, बिल में, ऐसे हॉर्नबिल आपको याद हुआ नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को, किस याद में, किस उपलक्ष्य में, रमन्स इफेक्ट के, यानी इस दिन जो रमन रमन्स इफेक्ट है उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बेल्जियम की राजधानी बताओ, तो जो बेल्जियम की राजधानी है वो है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फुल फॉर्म का क्वेश्चन, PWD की फुल फॉर्म क्या है, तो जो PWD की फुल फॉर्म है वो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुपमैन कप, हुपमैन कप पूछा था कि किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है, आपको पता है काफ़ी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुए थे, तो जो 2018 के फीफा वर्ल्ड कप हुए थे रूस में हुए थे, मॉस्को में। और ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ना जितने भी, और उस उनमें से भी खासकर जो आपके स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, एक भी मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो से बाहर नहीं जा रहा, सारे के सारे उसी में से आ रहे हैं। और खासकर फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, और ओलंपिक कहाँ पे हुए, कॉमनवेल्थ कहाँ पे हुए, या फिर कहाँ पे होंगे, इनसे क्वेश्चन आ रहा है। और इनकी तो मैंने पूरी आपको टेबल बना दी थी, एक पूरी मतलब 4 सालों की, 2 3 साल पहले की और 2 3 साल बाद की, यानी चार चार आपको बताया था कि इस बार कहाँ होगा, अगली बार कहाँ होगा, इस टाइप से मैंने पूरा आपको टेबल के माध्यम से वहाँ पे बताया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की रानी को किस नाम से जाना जाता है, नेपाल की रानी को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आया था, काफ़ी जो मुश्किल क्वेश्चन पूछा गया था ये, आई थिंक इसका किसी को मालूम नहीं होगा, बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिसको इसका आंसर मालूम होगा, तो इसका राइट आंसर होगा श्री पांच बड़ा महारानी। और नेपाल के राजा को किस नाम से जाना जाता था, श्री पांच महाराजा धीराज। यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ आपको, जाना जाता है नहीं, जाना जाता था, पहले वहाँ पे नेपाल में ऐसा शासन होता था, लेकिन अब वहाँ पे राजा रानी का शासन खत्म हो गया, पहले जाना जाता था इन नामों से, राजा को श्री पांच महाराजा धीराज, और रानी को श्री पांच बड़ा महारानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर की कैपिटल पूछी थी, तो जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है बहुत ही आसान है यार, श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक काली मिट्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, या तो पूछा गया होगा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी हो जाएगा, या फिर क्वेश्चन पूछा गया होगा कि काली मिट्टी किस राज्य में ज़्यादा पाई जाती है, तो उस टाइप से इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ज़्यादा पाई जाती है, या फिर एक क्वेश्चन इसके बारे में ऐसे पूछा गया होगा कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयोगी है, तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयोगी है, कपास के लिए आप याद रख लेना, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया होगा काली मिट्टी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी की सीजीएस यूनिट पूछी थी, तो जो एनर्जी की या फिर वर्क की हम बात करें, दोनों की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है अर्ग, और इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया, तो जो गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया वो किया चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन बहुत ही आसान, एक रिलेशन, इस रिलेशन से एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, एफ इज इक्वल टू एम ए, मास दे दिया था, एक्सेलेशन दे दी थी, तो आपको वहाँ पे फोर्स बताना था, बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फुल फॉर्म से है कि IRBM की फुल फॉर्म पूछी थी, IRBM की फुल फॉर्म होगी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी ने कांग्रेस पार्टी कब ज्वाइन की, गांधी ने कांग्रेस पार्टी कब ज्वाइन की, इस क्वेश्चन के बारे में भी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ, इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज है मुझे इस क्वेश्चन के बारे में, तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट आपको ज़रूर करना भी चाहिए जिससे दूसरों को इसका राइट आंसर मालूम हो सके। और अगर आप इस वीडियो को थोड़ी देर बाद देख रहे हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन नीचे जाके चेक करना, कहीं कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर बता दिया हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओल्ड गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ओल्ड गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ओल्ड गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत ने सेशेल्स को कितने रुपए या फिर कितने डॉलर का लोन दिया है? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके बारे में मैं थोड़ा कन्फर्म नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं आपको कि भारत नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने रूस को कौन सा मिग फाइटर प्लेन गिफ्ट किया? रूस का ही जो एक मिग फाइटर प्लेन है वो भारत ने रूस को वापस तोहफे में गिफ्ट कर दिया, कौन सा, क्या नाम है उसका, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसका नाम है मिग 21। मिग 21 उस फाइटर प्लेन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? ये क्वेश्चन भी यार मैं आपको करवा चुका हूँ, अभी एक हफ्ते पहले ही लगभग मैंने वीडियो डाली थी, नदियों के किनारे बसे शहर, ठीक है? तो वो आपने अगर देखी होगी ना, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से हो गया होगा। और ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी को पता होगा, कॉमन क्वेश्चन है। अयोध्या नदी के किनारे है सरयू, सॉरी अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक बुक से कि ट्रेवलिंग थ्रू कन्फ्लिक्ट, ये जो बुक है इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है? तो जो ट्रेवलिंग थ्रू कन्फ्लिक्ट है इसके राइटर हैं हामिद अंसारी, हमारे जो पूर्व जो उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी, ये उसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कोयले का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? इससे पहले मैं आपको बता दूं, हाँ, जो आपके करेंसी और कैपिटल से क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी बार आ रहे हैं, काफ़ी मतलब हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आपके करेंसी कैपिटल से आ रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे मैं हालांकि इसके लिए वीडियो नहीं ला पाया, लेकिन मैंने अन अकेडमी पे इसके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दी है, कई दिन पहले मैं इसके लिए वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप उसको ज़रूर देख लेना एक बार, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, तो आप एक बार वहाँ पे जाके देख लेना। टोटल 5 पार्ट्स हैं वीडियो के, ट्रिक के माध्यम से आपको वहाँ पे याद करवाई है, उसको ज़रूर देख लेना आप, क्योंकि यूट्यूब पे मैं इसलिए नहीं डाल पाया, टाइम की कमी थी, टाइम की शॉर्टेज थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का सर्वोत्तम रूप पूछा था कि सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? तो जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है वो सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है, एंथ्रेसाइट, और जो बिट्यूमिनस कोयला होता है वो सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से किन्हें जाना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है एंटोनी लेवोजियर को, एंटोनी लेवोजियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वर्क की सीजियस यूनिट क्या है? तो जो वर्क की सीजियस यूनिट है वो है अर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन था तेलंगाना की राजधानी, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम आणविक ऊर्जा केंद्र पूछा था, तो जो भारत का प्रथम आणविक ऊर्जा केंद्र वो है तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में भारत का प्रथम आणविक ऊर्जा केंद्र खोला गया, ये महाराष्ट्र में है तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा 2018 कहाँ पे हुए? अभी 2018 में फीफा कहाँ पर हुए थे, फीफा वर्ल्ड कप, ये हुए थे रूस में मॉस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक 7801 यानी 7801 में कौन सी संख्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी? तो आप देख लेना 7801 के आसपास, इससे बड़ा एक पूर्ण वर्ग जो संख्या होगी उसमें से आप 7801 को घटा देना, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था फुल फॉर्म से, पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या होगी? पीएसएलवी की फुल फॉर्म होगी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वर्ल्ड कप पूछा था क्रिकेट का, पहला वर्ल्ड कप कब हुआ? ये हुआ था 1975 में, और 1975 में उसमें जीता कौन था? उसमें जीता था वेस्ट इंडीज, और इसने वेस्ट इंडीज ने हराया था किसको? ऑस्ट्रेलिया को, ये आपको याद रखना है। अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात की जाए तो पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ 1930 में, उसमें जीता था उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया या फिर टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? आई थिंक ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, तो ये थोड़ा सा रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, देख लो। तो इसमें टेलीफोन का एक मैंने नया ऐड किया है, टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राम बेल ने, और टेलीविजन का आविष्कार किया था जेल बेड में, इन दोनों में से कुछ एक क्वेश्चन आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो पिचर शब्द है ये भी सुपर जी के सीरीज में मैंने आपको कराया था, मुझे अभी भी याद है, पिचर शब्द जो जिस खेल से संबंधित है, कौन से खेल की शब्दावली है पिचर शब्द, वो बेसबॉल है, बेसबॉल खेल से संबंध है पिचर शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन कप है फुटबॉल से संबंधित,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेले के बारे में कि पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है, तो जो पुष्कर मेला वो राजस्थान में अजमेर शहर में लगता है, राजस्थान के अजमेर शहर में। एक क्वेश्चन आपका मिसाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन तो जस्टिफाई नहीं हुआ है, तो अगर बता देना आपको इस क्वेश्चन का मालूम है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया था आज का, कि ऐसा मिसाइल से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन पूछी थी, प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी, तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन आप बताना कि क्या होंगी। हालांकि मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर नहीं आके पाया हूँ, इसका राइट आंसर मैंने मुझे लिखना याद नहीं रहा और मुझे इसकी डायमेंशन याद नहीं है अभी, प्लांक कांस्टेंट की क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, तो जो बुलंद दरवाज़ा वो फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, तो पारसियों का जो धार्मिक ग्रंथ है वो है अवेस्ता, अवेस्ता पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वृद्ध पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो जो वृद्ध पुरुष यानी कि ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, यानी कि ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न सदन, एक होता है निम्न सदन, एक होता है उच्च सदन। उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा को और निम्न सदन बोला जाता है लोकसभा को, लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति पूछे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति तो हैं डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति हैं फिलहाल माइक पेंस, माइक पेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। तो फ्रेंड्स आज के हमारे क्वेश्चन सभी 75 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बोला था, तो 75 के 75 क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाते हैं हमारे। अब हम वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप अपने गोल को अचीव कर लो, एग्जाम को क्रैक कर दो। और अगर आप PDF पाना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी, एक साथ सारी की सारी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और अंत में जाते जाते यही कहूँगा, अगर वीडियो आपको दिल से अच्छी लगे, दिल से अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, तो यार एक लाइक और एक शेयर कर देना, बस एक लाइक और एक शेयर कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।